मोहम्मद अली जो मशहूर मुक्केबाज थे, उनसे किसी ने पूछा कि विल इंपॉर्टेंट होती है कि स्किल? स्किल जो आप सीखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत सारी जगह स्किल सिखाई जाती है, स्किल का रेलिवेंस ज्यादा है कि विल का रेलिवेंस ज्यादा है? तो मोहम्मद अली ने बोला स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, विल इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाले ने पूछा इसका मतलब क्या है, समझाओ। उसने बोला मेरा अपोनेंट जब बाउट हो रही है, जब लड़ाई हो रही है, तो मुझे घूंसा मार के गिरा देता है। अब मैं गिर गया हूं और वो मेरे छाती पे खड़ा है, तो मैं गिरा किसकी वजह से? वो अपनी स्किल की वजह से, उसकी स्किल मुझसे बेहतर है, उसकी स्किल ने मुझे गिरा दिया है, तो स्किल की वजह से तो मैं गिर गया हूं। लेकिन अपनी विल की वजह से खड़ा होता हूं जब मैं अपने आप को बोलता हूं मोहम्मद खड़ा हो जाए एक बार और, जब मैं अपने विल को बोलता हूं कि वन मोर टाइम गेट अप मोहम्मद और लड़, तो स्किल तो मुझे हरा देती है लेकिन विल मुझे फिर से खड़ा कर देती है। इस बात को नोट कर लीजिए कि आपकी विल पावर का टेस्ट तभी होगा जब आप संकट के दौर से गुजर रहे हो। कुदरत हर जगह इम्तिहान लेने पहुंच जाती है, आप हर जगह हर वक्त हर घड़ी आपको ठोका पीटा जाता है, प्रयास किया जाता है कि देखें यार ये किस मिट्टी का बना है। छोटे छोटे कामों से विल पावर मजबूत होती है। आप कार चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कसम खाइए कि मैं एफएम पूरे रास्ते नहीं सुनूंगा दो घंटे की जर्नी में, विल पावर मजबूत होती है। आप कसम खाइए कि दाएं बाएं के बोर्ड होर्डिंग देखूंगा नहीं पूरे रास्ते में, विल पावर मजबूत। आप बालकनी में खड़े हो जाइए और लेफ्ट राइट नीचे मत देखिए कि सामने ही देखूंगा नीचे नहीं देखूंगा। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता, इससे विल पावर। विल पावर का मतलब क्या है? जो आप खुद से कहते हो और उसको पूरा कर जाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि साला बंदे में दम है, ये जो साला सोच लेता है ना वो